हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्न नीति नीट सीरीज में आज जो मैं चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि एक सर्टेन रीजन में जिसका वॉल्यूम दे रखा है 0.2 मीटर क्यूब और उसका जो पोटेंशियल देखा गया वो क्या है 5 वोल्ट थ्रू आउट, मीन्स उसका पोटेंशियल हर जगह पर क्या है कांस्टेंट। और अगर मेरा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है माइनस dv बाई डी आर, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है फ्री स्पेस में जिसका चार्ज है q, पोटेंशियल दे रखा है q इंटू 10 टू दी पावर 11। पूछा क्या गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाय आर, मीन्स आर इज इक्वल टू के क्यू बाय वी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मेरी के क्यू बाय आर स्क्वायर, मीन्स के क्यू डिवाइडेड बाई के स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ई की वैल्यू आपको दे रखी है ये के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर 22 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 10 टू दी पावर 22 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है r1 और r2, r1 इज ग्रेटर देन r2, पोटेंशियल हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मींस r1 इज ग्रेटर देन r2, मींस क्या हुआ जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल कम होगा, मींस v1 इज लेस देन v2। So the potential of more in R2 की वैल्यू छोटी है मतलब V2, तो more on smaller sphere। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज जिनका चार्ज एट 220 वोल्ट combined from a bigger drop, calculate the potential of the bigger drop। तो मेरा टोटल चार्ज मेरा कितना होगा एक ड्रॉप पे, उसका वॉल्यूम मेरा 27 into 4/3 pi r cube इज इक्वल टू 4/3 pi R³ मीन्स कैपिटल R इज इक्वल टू 3 स्मॉल r। नाउ V1 इज इक्वल टू के क्यू बाय R। मेरे पास ड्रॉपलेट टोटल कितनी थी, नाउ V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी जब 27 ड्रॉपलेट आ गए तो चार्ज मेरा क्या हो जाएगा 27 times Q डिवाइडेड बाई कैप this will be smaller। By capital R means 27 kQ/3 small r। So V2/V1 is equal to 9। This implies V2 is equal to 220 multiplied by 9 means 1980 volt। Option number A is the correct answer। यहाँ दे रखा है दो मेटल स्फीयर जिसकी रेडियस है कैपिटल R और 2R। have same surface charge density sigma, they are brought in contact and separated, what will be the new surface charge density on them? So, sigma 1 is equal to sigma 2 और surface charge density क्या होती है? Charge per unit area means 4 pi r square is equal to Q2 upon 4 pi radius is 2r square means Q2 is equal to 4 Q1. तो टोटल चार्ज मेरा कितना हो जाएगा? 5 Q1 और Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो ये तो टोटल चार्ज आ गया Q टोटल। अब उनको जब कांटेक्ट में लाया गया और उसके बाद जब सेपरेट कर दिया गया, तो मान लिया मैंने लेट्स Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये मेरा किसके इक्वल होगा? टोटल चार्ज Q टोटल के, जिसकी वैल्यू दे रखी है 5 सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो Q1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? Q1 डैश क्या जाएगा? Q टोटल डिवाइडेड बाई एरिया। अब जैसे ही उनको कांटेक्ट में लाऊंगा तो उनका पोटेंशियल मेरा क्या हो जाएगा? सेम मींस Q1 अपॉन R इज इक्वल टू Q2 डैश अपॉन 2R। तो Q2 डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स Q1 डैश। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो Q1 डैश की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? Q1 डैश अपॉन एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर मीन्स सिग्मा 1 डैश। ये वैल्यू मेरी किसके इक्वल आ जाएगी? 5 बाय 3 सिग्मा। और सिग्मा 2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q2 डैश अपॉन 4 पाई इंटू 2R होल स्क्वायर मीन्स सिग्मा 2 डैश जो मेरा आएगा वो क्या आ जाएगा? 5 बाय 6 सिग्मा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहां क्या दे रखा है कि 4 इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस Q माइनस Q माइनस Q और प्लस Q। आपसे क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 2L मींस ये मेरा L हो गया और ये भी मेरा L हो गया। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2L है मींस √5L। तो V ड्यू टू टोटल पोटेंशियल एट A, डिस्टेंस ही मेरे √5L होंगे मीन्स 2 इंटू KQ माइनस का चार्ज है इसलिए माइनस अपॉन √5L प्लस इन दोनों चार्ज की वजह से 2KQ अपॉन L। तो V एट A मेरा कितना आ जाएगा? 2Q K अपॉन L इंटू 1 माइनस 1 अपॉन √5 V एट A। तो 2KQ अपॉन L और K विल बी 1/4 pi epsilon naught 1 माइनस 1 अपॉन √5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है? द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड इक्विपोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल surface is always perpendicular to the electric field line of forces. तो उनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री. Potential surface is perpendicular to line of forces. अब आपको दे रखा है ये चार डायग्राम दे रखे हैं. फर्स्ट टू 1 2 3 4 शोज इक्विपोटेंशियल्स. पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी इन ईच रीजन. अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन हमेशा क्या होता है सेम, क्योंकि वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V. अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल तो मेरा सेम, जब चार्ज में मूव कराऊंगा तो वर्क डन विल बी सेम. तो वर्क डन विल बी सेम इन ऑल द 4 केसेस. आपको पोटेंशियल दे रखा है ये द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 1, 1, 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या होती है माइनस डीवी बाई डी आर. यहां पर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड जे कैप माइनस वाई कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप. और उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1, 1, 0. इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहां पर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा माइनस 6y आई कैप माइनस y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो यह आ जाएगा 6x माइनस 1 प्लस 2z जे कैप माइनस z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यह आ जाएगा 2z k कैप. और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1, 1, 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कितनी आ जाएगी माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेरे 3 चार्जेस हैं प्लस क्यू आर प्लेस्ड. यहां पर भी प्लस क्यू है, ये भी है प्लस क्यू और ये भी दे रखा है प्लस क्यू. एबीसी में बीसी और एसी मेरे दे रखे हैं 2a, मतलब ये डिस्टेंस है 2a और ये भी दे रखा है 2a. ये मिड पॉइंट्स पे हैं. वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम D to E. मुझे चार्ज कैपिटल Q को D से E की तरफ लेके जा रहा हूं. अब जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो B की वजह से क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस R में ले लिया मैंने तो B की वजह से पोटेंशियल KQ बाई R प्लस इसकी वजह से डिस्टेंस KQ बाई A. और मतलब V एट E की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर प्लस 2KQ बाय A. इसी तरीके से D पे पोटेंशियल की बात करूं तो ये डिस्टेंस भी मेरा क्या हो जाएगा R मीन्स KQ बाय R प्लस 2KQ बाय A मीन्स VD इज इक्वल टू VE. Means equipotential surface work done will be 0. Option number D is the correct answer. यहां क्या कह रहा है कि एक प्लस क्यू का चार्ज मैंने यहां रखा A पे और B पे रखा माइनस क्यू का चार्ज. ये इसका मिड पॉइंट है दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l है, मतलब ये भी l हो गया और ये भी l हो गया। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज कैपिटल Q फ्रॉम ए सेमी सर्किल CRD। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो लगेगा तो वर्क डन तो एक स्केलर क्वांटिटी है और यहां वर्क डन हमेशा एक कंजर्वेटिव, फोर्स मेरा कंजर्वेटिव है इसलिए वर्क डन मेरा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इस पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो दोनों का डिस्टेंस सेम, मतलब V एट C मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। और D पे अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो वी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q अपॉन, ये 2L है, ये भी मेरा L होगा। तो के क्यू अपॉन 3L माइनस बी पे पोटेंशियल के क्यू बाय एल, मीन्स वी एट डी मेरा क्या आ जाएगा, माइनस 2KQ अपॉन 3L। तो दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी मेरा यही रहेगा, तो वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, माइनस 2/3 K इज 1/4 pi epsilon naught स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन L, मीन्स वर्क डन हो जाएगा मेरा माइनस स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन 6 pi epsilon naught L। तो माइनस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब एक डाइपोल को मैंने यहां इस तरीके से प्लेस करा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो डाइपोल का डायरेक्शन जो होगा वो तो -Q से +Q की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। पोटेंशियल मेरा हमेशा जो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो जो मेरी पोटेंशियल मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। और पोटेंशियल अगर मेरा डिक्रीज करेगा मींस उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी डिक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी अगर मेरी डिक्रीज कर रही है तो ये डाइपोल किधर मूव करेगा, डाइपोल विल मूव टुवर्ड्स ये, लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूं, तो डाइपोल विल मूव टुवर्ड्स राइट और पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या होगी, मूव्स टुवर्ड्स राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज अलाइंड पैरेलल टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, मींस इनिशियली मेरा थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो। The energy required to rotate the angle means theta 2 मेरा कितना हो गया, 90 डिग्री। U is equal to minus PE cos theta 2 minus cos theta 1, cos 90 0, cos theta 1 cos 0 1 means U is equal to PE। Option number B is the correct answer. आप देखो मुझसे क्या क्या पूछ रहा है, एक तो टॉर्क पूछ रहा है और टॉर्क मेरा क्या होता है, P क्रॉस E, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल व्हेन प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मींस PE साइन थीटा। सो PE साइन थीटा मींस ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, पहले एंगल थीटा था, नाउ व्हेन एंगल 90 डिग्री तो कॉस 90 जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द correct answer. Some charge is given to a conductor, तो उसका potential क्या होगा, किसी भी कंडक्टर के अंदर, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगी मींस dv बाय dr की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। मींस पोटेंशियल मेरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो रिमेंस सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। टू मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2, इनका चार्ज दे रखा है, ये हो गया q1 और दूसरा चार्ज दे रखा है आपको q2। इफ दीज आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर देन द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर विल बी। तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? B is equal to Q1 plus Q2 upon C1 plus C2. Or capacitance due to a spherical sphere is 4 pi epsilon naught R. Means V is equal to Q1 plus Q2 upon 4 pi epsilon naught R1 plus R2. r1 प्लस r2 मीन्स 3 प्लस 1 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। q1 है मेरा -1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 और ये है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीन्स 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। तो ये वैल्यू मेरी कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये v पता लग गया मुझे। अब बिगर ड्रॉप में आपसे पूछ रहा है फाइनल चार्ज, तो q इज इक्वल टू C2 इंटू वी। सी हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसकी आर कितना दे रखा है? 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज मेरा आ जाएगा कितना? 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 कूलम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहां क्या कह रहा है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस v। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मतलब डिस्टेंस अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो कैपेसिटेंस अगर मेरा कम हो जाएगा तो पोटेंशियल मेरा क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज ए मीडियम दिस, मतलब सी नॉट की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 फेरेड। With the introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes 30 microfarad. Means जब dielectric बना तो C dash is equal to K times C naught. तो ये C dash की वैल्यू दे रखी है 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 फेरेड। तो इससे K की वैल्यू क्या आ जाएगी? C dash अपॉन C naught मीन्स 5। आपसे पूछ रहा है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट मींस 5 इंटू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 मींस 0.44 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। आप जरा ध्यान से देखो कि ये ए और बी टर्मिनल दे रखा है, मुझे सी इक्विवेलेंट निकालना है। इस वाले वायर में अगर देखो तो ये वाला चीज डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, इसका मतलब कोई भी चार्ज एक तरीके से शॉर्ट सर्किट पाथ यहां से मिला तो इस वाले कैपेसिटेंस का कोई भी रोल नहीं है। तो एक्चुअली मेरा सर्किट क्या रह गया? सिर्फ इतना सा सी सी ए बी, और दो कैपेसिटेंस अगर पैरेलल लगे हैं तो इनका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 मींस 2C। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। अब ये एक कॉम्बिनेशन दे रखा है पैरेलल प्लेट का, डाइलेक्ट्रिक अलग अलग भरे। अब जरा ध्यान से देखो कि यहां पर मेरा क्या हो रहा है, ये तीनों कैपेसिटर में थिकनेस मेरी सेम है, ठीक, एरिया चेंज हो रहा है, मतलब ये तीनों जो पैरेलल प्लेट है ये इनका जो कैपेसिटेंस है, ऑल दीज थ्री कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और यहां पर उसका एरिया सेम है, मतलब ये उसके साथ सीरीज में। मतलब मैं इस सर्किट को ऐसे बना सकता हूं, C1, C2, C3 और इसके साथ ये एक C4। C1 की वैल्यू हो जाएगी K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 3 इंटू D बाय 2। C2 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D। C3 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2 K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D, और C4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, K4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डिस्टेंस विल बी D बाई 2, तो 2D। अब जब पैरेलल में लगाऊंगा इस पूरे कॉम्बिनेशन, ये पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो इसका अगर C डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 1 बाय C4। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 बाई के 3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1 बाय K4। अब यहां पर आपको फिर से वही इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है, तो इस सर्किट को जरा रीड्रॉ करिए। ये टर्मिनल मेरा X, ये टर्मिनल Y, यहां कहीं मैंने ले लिया A और इधर ले लिया मैंने, सॉरी C ले लेते हैं। तो X और A पॉइंट एक ही है और Y और D पॉइंट एक ही बात है। A से B के बीच में एक 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा है, 6 माइक्रोफैराड। फिर उसके बाद देखो A और C के बीच में 6 माइक्रोफैराड है, बी और सी के बीच में लगा है 20 माइक्रोफैराड का, सी और डी के बीच में 6 माइक्रोफैराड, और इसके बीच में भी लगा है 6 माइक्रोफैराड। अब एक बैलेंस ब्रिज वाली कंडीशन हो गई, और जैसे ही बैलेंस ब्रिज होगा इसका मतलब बीच वाला कैपेसिटेंस मेरा खत्म हो गया, तो ये वाला कैपेसिटर का कोई यूज नहीं है। मतलब मेरा सर्किट सिर्फ इतना सा रह गया, सिक्स माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड, ये X ये Y, ये दोनों कॉम्बिनेशन मेरे कैसे हैं, सीरीज में, और सीरीज में 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट होता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, मतलब इसका जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C डैश वो आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। इसी तरीके से ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं सीरीज, इनका भी C इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरा C डबल डैश 3 माइक्रोफेरेड। ये C डैश और C डबल डैश ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हैं? पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट मेरा हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहां क्या कह रहा है? कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिकोफेरेड इज चार्ज फुल्ली बाय 100 वोल्ट बैटरी as shown in figure A, then it is disconnected from a battery and connected to another uncharged capacitor of capacitance 900 picofarad. उसी capacitance का लगा दिया. The electrostatic energy is stored by the system. तो सबसे पहले जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा? पहले से चार्ज लगाया था, इसका पोटेंशियल अगर मैं V1 कहूं तो ये है 100 वोल्ट, इसका पोटेंशियल इनिशियल क्या था? 0. तो कॉमन पोटेंशियल मेरा क्या आ जाएगा? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. और एनर्जी स्टोर जो होगी वो क्या होगी? हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V कॉमन स्क्वायर. हाफ C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? दोनों पैरेलल लगे मतलब C1 प्लस C2 इंटू वी कॉमन हो जाएगा मेरा ये वैल्यू. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई. स्पेस बिटवीन द प्लेट्स if the distance between the plate is d and the area of each plate is e, energy is stored by a capacitor. तो u is equal to क्या होता है? हाफ c v square. हाफ c is epsilon naught a by d. And potential is E into D means E square D square means U is equal to half epsilon naught E square into AD. So half epsilon naught E square into AD. Option number D is the correct answer. The series combination of N1 capacitor each of value C1 is charged by a source potential difference 4 volt. When another parallel combination of N2 capacitors, each of value C2, is charged by a source of potential V, it has the same total energy stored in it. Means क्या दे रखा है? सीरीज कॉम्बिनेशन की जो टोटल एनर्जी है वो पैरेलल की टोटल एनर्जी के इक्वल है. आपको द वैल्यू ऑफ C2 निकालनी है इन टर्म्स ऑफ C1, N1, N2. जब सीरीज में लगाया तो सीरीज के केस में अगर मैं बात करूं तो C इक्विवेलेंट मेरा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन C इक्विवेलेंट होता है 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 मीन्स C1 अपॉन N1. तो U इज इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट हो गया C1 अपॉन N1 इंटू पोटेंशियल कितना करा था? 4V होल स्क्वायर मीन्स हाफ C1 अपॉन N1 इंटू 16V स्क्वायर. ये सीरीज के केस में आ गई. अब पैरेलल की बात करी. पैरेलल के केस में C इक्विवेलेंट क्या होता है? n टाइम c. तो यहां पर n नंबर और कितने? n2. कैपेसिटेंस है c2. पैरेलल कॉम्बिनेशन की एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ n2 इंटू c2 इंटू यहां पोटेंशियल है v स्क्वायर. क्या कह रहा है कि us सीरीज की एनर्जी टोटल एनर्जी और पैरेलल की वो आपस में क्या है? इक्वल. दोनों को इक्वल कर दीजिए. तो 1/2 C1 अपॉन N1 इंटू 16V² इज इक्वल टू 1/2 N2 इंटू C2 इंटू V²। तो इससे C2 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 16C1 अपॉन N1 N2। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहां क्या कह रहा है कि मेरे पास दो कंडेंसर हैं, एक की कैपेसिटी है C और दूसरे की कैपेसिटी है C/2, आर कनेक्टेड टू ए बैटरी वो V वोल्ट की। मुझे वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर, तो इस पे मैंने चार्ज मान लिया Q1, इस पे ले लिया चार्ज Q2। तो Q1 की वैल्यू क्या होगी Q इज इक्वल टू CV और Q2 मेरा क्या हो जाएगा C/2 इंटू V। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 मीन्स 3CV/2 Q टोटल। मीन्स जितनी उसके एनर्जी हो जाएगी 1/2 Q टोटल इंटू V मीन्स 1/2 इंटू 3CV/2 इंटू V मीन्स 3/4 CV²। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।